हाय फ्रेंड्स मैं हूं मानव वेलकम टू मूवी शूवी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एडवांस बुकिंग रिपोर्ट और डे वन का प्रोडिक्शन फॉर धाकड़ एंड भूल भुलैया टू दोनों मूवीज़ के बारे में बात करेंगे क्या ये दो मूवीज़ बॉलीवुड का या हिंदी सिनेमा का जो ड्राई स्पेल चल रहा है वो दूर करेगा देखो पहले मैं बता सकता हूँ आपको कि अगर डबल डिजिट की अगर ओपनिंग मिल जाती है तो एक मोमेंटम अच्छा मिल जाता है जो गंगू बाई को भी मिला वो तो चलो हंड्रेड करोड़ क्रॉस कर गई लेकिन उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी होनी शुरू हो गई और जिस तरीके की मूवीज़ भी आ रही थी वो काफ़ी रीमेक थी और लोगों ने बोला कि भाई रीमेक नहीं मांगता है अपने आप को और दूसरा नया चेहरे दिखाओ थोड़ा फ्रेशनेस लेके आओ तो एडवांटेज कई हद तक है दो जो मूवीज़ आ रही हैं कंगना की इक्विटी फॉर डूइंग गुड वर्क इज़ वेरी गुड लोग उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनती और अलग तरीके का कंटेंट और वुमेन सेंट्रिक अलग तरीके का कंटेंट पेश करने के लिए काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं दूसरा जो कार्तिक आर्यन भी है उनकी भी इक्विटी काफ़ी अच्छी है यूथ में उनका अच्छा खासा क्रेज़ है फ़ीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है दूसरा थोड़ा सा लोगों का जो एक uh, थोड़ा सा सेंटिमेंट ज़्यादा है आज की डेट के ऊपर अगर कोई आउटसाइडर होता है तो उस सेंस में लोगों को जरा थोड़ा सा ज़्यादा प्यार उमड़ता है uh, कार्तिक आर्यन के ऊपर और अगर आपने नहीं देखा है तो न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखोगे जब वो प्रमोशन करने जाता तो काफ़ी भीड़ उसके ऊपर उमड़ती है दैट मीन्स ही इज़ रियली लाइक्ड बाय द यंगर सेट ऑफ ऑडियंस और फैमिलीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा वो पॉपुलर है तो जब फैमिलीज़ में आप पॉपुलर हो जाते हो तो फिर भीड़ जो है टिकट काउंटर पर भी लगती है अब बात करते हैं के पास एक और एडवांटेज क्या है एक और एडवांटेज यह है कि जो अभी बड़ी फिल्में आई थी जैसे आर 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 के जी एफ और मान लीजिए रन वे थर्टी फोर जो ज़्यादा चली नहीं वो हट गई दो बड़ी मूवीज़ जो थी वो आपकी के जी एफ चैप्टर टू थी और उसके बाद आपकी एक मूवी आई आर 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 ये दोनों का रन टाइम खत्म हो गया ओ टी टीज के ऊपर रिलीज वुलूज होकर खत्म हो जाएगी इनके बाद तो आपके पास कोई भी ऐसी साउथ की मूवीज़ भी नहीं है जिसको लोग इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट से जाकर देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक रन दो रन तीन रन से वो देख चुके हैं उसको अब वो ओ टी टी के ऊपर घर बैठ कर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं तो ये परफेक्ट मौका है पहली बात तो यहाँ पर अगर ये इस मूवीज का ढाकड़ और भूल भुलैया टू को कि अगर थोड़ी भी कंटेंट ठीक हुआ तो इसको अच्छी ओपनिंग छोड़ो अच्छा एक रन भी मिल सकता है बड़ी बड़ी इसके नंबर्स हो सकते हैं अब बात करते हैं एडवांस बुकिंग की भूल भुलैया टू की एडवांस बुकिंग ऑलमोस्ट सात से आठ दिन पहले ही खोल दी गई थी जिसकी वजह से इसका जो नंबर आ रहा है वो करीबन आ रहा है चार करोड़ रुपए का एडवांस बुकिंग विच इज़ ऑलमोस्ट द नंबर जो रन ने भी नहीं अचीव किया था अपनी टोटल कलेक्शन ऑफ डे वन के अंदर इसकी एडवांस बुकिंग चार करोड़ की है लगभग लगभग टू एंड हाफ थ्री टाइम टू एंड हाफ आप समझ लीजिएगा फैक्टर लगता है कि फर्स्ट डे की क्योंकि वॉक इन्स बहुत सारे होते हैं तो करीबन ग्यारह करोड़ के आसपास ये डे वन यानी डबल डिजिट के अंदर ओपन करेगी विच इज अ गुड न्यूज फॉर हिंदी सिनेमा सेकेंडली धाकड़ की जो एडवांस बुकिंग होनी थी वो बहुत ज्यादा लेट शुरू हुई शुरू तो वो भूल भूल है कि साथ ही होनी थी बट सर्टिफिकेशन इसको ए मिला थोड़ा सा डिले विले हो गया जिसकी वजह से जो इसका जो ओपनिंग नंबर आया है वो करीबन आया है डेढ़ से दो करोड़ रुपए के बीच में 175 करोड़ रुपीज़ के पास में इसमें भी सेम लॉजिक लगाया जाए तो साढ़े चार पाँच करोड़ रुपये की ये ओपनिंग लेगी दोनों मूवीज़ को मिला के करीबन सोलह सत्रह करोड़ रुपये पहले दिन के अंदर आने वाले हैं डिपेंडिंग ऑन किसका कॉन्टेंट ज़्यादा अच्छा लगता है वो मूवी और आगे जाएगी अब बात करते हैं कि क्या क्या रिव्यूज अर्ली रिव्यूज़ जो हैं मार्केट के अंदर आ चुके हैं तो अर्ली रिव्यूज़ जिस तरीके के आए हैं वो दोस्तों यू ओ से आए हैं जिनके ऊपर से मेरा बिल्कुल विश्वास उठ चुका है आई एम श्योर आप लोगों का भी विश्वास उठ चुका होगा वो उमर संधू करके कोई है और एक आधा और है वो हर मूवी को बोलते हैं ब्रिलियंट फैंटेस्टिक दिस विल ब्रेक रिकॉर्ड दैट विल ब्रेक रिकॉर्ड वो कोई भी मूवी हो उनका बड़ा स्टैंडर्ड सा ट्वीट होता है उसको लेके क्योंकि अर्ली रिव्यूज़ आ जाते हैं धाबड़ दौड़ मत जाता है एक बार मैं भी खुद भी बेवकूफ बन चुका हूँ फिर जब मैंने मूवीज देखी मैंने कहा यार ये बोला तो कुछ और गया था ट्वीट के अंदर ये निकला क्या फिर आप ही जैसे सब्सक्राइबर्स ने कुछ ना कुछ बताया कि भैया इनकी तो आदत ही है भैया आप इसके चक्कर में मत पड़ो क्योंकि हर मूवी को वो आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट इस तरीके की करते हैं एक जयेश भाई को सिर्फ नकारा गया वो भी इसीलिए क्योंकि उनकी टसल हुई हुई है रणवीर सिंह के साथ तो रणवीर सिंह ने उमर संधू को ब्लॉक क्लॉक भी किया हुआ है आपस में काफ़ी इनकी लड़ाई वड़ाई भी हो गई थी तो एनी कमिंग बैक टू द टॉपिक अपॉर्चुनिटी है एक बड़ा नंबर अचीव करने के लिए क्योंकि अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है आपस में ही कंपटीशन है लेकिन दोनों जॉनर बहुत ज़्यादा अलग हैं एक हॉरर uh, कॉमेडी है जो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करेगी और एक एक्शन है वुमन uh, सेंट्रिक है वो अलग एक ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी तो दोनों के लिए चलने के काफ़ी ज़्यादा रीज़न है तो ये थी मेरी एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट फर्स्ट डे की प्रोडिक्शन और एट द सेम टाइम जो अर्ली रिव्यूज़ आ रहे हैं उसके ऊपर मत जाओ uh, जब अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट के जो रिव्यूअर्स हैं क्रिटिक्स हैं कुछ अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं जब वो मूवी देख लेंगे तो आई एम श्योर दस साढ़े दस बजे के आसपास तक आपको रिव्यूज मिलने शुरू हो जाएंगे साढ़े सात आठ बजे से शो लगने शुरू हो जाते हैं मैं भी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको अपना रिव्यू शेयर करूँ कौन सा रिव्यू शेयर करूँ मैं भी मैंने टिकटें भी बुक कराई नहीं है किसी की भी धाकड़ का करूँ कि भूल भुलैया भलैया का करूँ इसका आप कॉमेंट करके जरूर बताना ठीक है जी चलो तो जल्दी मिलते हैं बाय बाय